हम माहिम दरगाह पे है, हमारे साथ बॉलीवुड की अभिनेत्री शैलिन चोपड़ा मैम है। मैम, कैसा लग रहा है आपको माहिम दरगाह पे विजिट किया आपने और लोगों का प्यार जो देखने मिल रहा है आपको? बड़ा सुकून मिलता है जब जब यहाँ पर आती हूँ चादर चढ़ाने और शुक्रिया अदा करने अल्लाह के रहम के लिए। आपका आना यह हमेशा होता है, रहता है? जी जी। तो क्या क्या मैसेज देना चाहूँगे माहिम दरगाह से आपको, क्या मतलब जैसा आपका यह आना होता है सुकून मिलता है आपने कहा है, तो अभी आपका कुछ आने वाला कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट है या ऐसा कुछ है, लोगों को बताएंगे हमारे व्यूअर्स? जी, हाल ही में मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन किए और मैंने ये मन बनाया कि मैं यहाँ पर आऊँ और चादर चढ़ाऊँ और बाबा से थैंक यू कहूँ और ये मैं संकल्प लूँ कि आने वाले हर दिन मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूं और अपने सोच में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में बदलाव लेकर आऊं और मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द कुछ ऐसा करूं समाज के लिए जिसके चलते ज़रूरतमंद महिलाओं को और ज़रूरतमंद बच्चों को मदद मिले। तो अभी कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, किस पे आने वाला है या कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आ गया, थिएटर रिलीज है, क्या है? जी, पिछले साल मैंने एकता कपूर जी के लिए एक बहुत ही गजब वेब सीरीज करी थी, पौरुष पुट्टू। अब बहुत जल्द उसका नेक्स्ट सीजन शुरू होने वाला है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने दोबारा मेरे बारे में सोचा और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम इस अगले वेब सीरीज़ की शूटिंग शुरू करें और यहाँ पर मैं आई हूँ बाबा से आशीर्वाद लेने और उनका शुक्रिया अदा करने। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज, हमारे व्यूअर्स आपके फॉलोअर जो लोग आप लोग को देखते हैं, आपको चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक मैसेज आपकी तरफ से? बस अल्लाह के रास्ते पर चलते रहिए और अल्लाह हमारी ज़रूरतों को जानता है और अल्लाह को पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तो बस उन पर भरोसा रखें और उनके रास्ते पर चलें। ये थे शैलिन चोपड़ा जी हमारे साथ। अभी बहुत जल्द जैसे इन्हें कहा है इनका प्रोजेक्ट आएगा, तो जल्दी बहुत जल्द इनको स्क्रीन पर देखेंगे, सपोर्ट कीजिए और F3 न्यूज़ से जुड़े रहे। मैं जुनेश शेख F3 न्यूज़ की तरफ से, थैंक यू।